ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज है सेकेंड लेक्चर, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर तो हो गया है, क्लास 11। कोई भी डाउट होगा तो पूछना। पिछला क्लास में हम लोग बेसिक देखे थे कि मोशन को कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग मोशंस को, कितने कैटेगरीज में। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन एग्जांपल, और क्या देखे थे हम लोग इसके अलावा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, ये सब बात हम लोग देख चुके हैं। सर हाँ बोलो। सर यूनिफॉर्म मोशन और सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में सर बेसिक डिफरेंस क्या है सर? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ना, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया ना? यस सर, थैंक यू। ओके, सो ये हो जाएगा बैच पीडी। आज बताएंगे भाई सर, प्रॉब्लम कराएंगे आज पे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से। फर्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक लेक्चर देखे तो उसमें हम लोग ये देखे थे मोशंस होता क्या है, कैसे हम लोग मोशन को डिवाइड कर रहे हैं, किस तरह मोशन को डिफरेंट कैटेगरी हम लोग डिवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये सब लोग देख चुके हैं, ठीक। तो आज हम लोग इसके आगे तो देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा वन डायमेंशनल मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तुमको हम पिछले, अच्छा ये सब पढ़ाए थे क्या, वेलोसिटी वगैरह पढ़ा दिए थे, एवरेज वेलोसिटी सर? बोलो, एवरेज वेलोसिटी वगैरह बताए थे अमन? हेलो, यस सर। हेलो अमन, एवरेज वेलोसिटी वगैरह बताए थे सर? कौन क्या एवरेज वेलोसिटी से बताए थे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन? नहीं सर, वो नहीं बोला, नहीं बोला, ठीक है। देखो सर, अब एवरेज स्पीड तक बताए थे, एवरेज स्पीड तक बताए हैं, ठीक है। यस सर, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में एवरेज स्पीड वगैरह बताए हैं ना, तो क्या बताए थे उसमें, एवरेज स्पीड जब भी लिखते हैं, अगर बोलेंगे हम लोग एवरेज स्पीड, इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है ना। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड, और अगर बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, ठीक। ये था एवरेज वेलोसिटी। अगर हम लोग एवरेज स्पीड का बात कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड लिख रहे हैं हम लोग टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक। और क्योंकि एस बाई टी, और एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक। एवरेज वेलोसिटी अगर लिखना है तो क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं,
ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट में, टाइम टू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं बेसिकली, चेंज इन पोजिशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि आर एफ माइनस आर आई बाई टी, तो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। इसके अलावा बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ठीक है, अगर बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका मतलब होता है सिंपली वी आई, वी इंस्टेंटेनियस, और सिंपली वी लिख सकते हैं हम लोग, इसका वैल्यू होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा रहेगा उस समय इसी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देंगे डी एस बाई डी टी करके, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एस बाई डी टी करके, या सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं ds by dt, या फिर सिंपली dr by dt, दिस कॉल्ड योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, r यहाँ पे पोजिशन वेक्टर है या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अगर बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड तो उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा वेलोसिटी का, अगर बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड व्हिच इज नथिंग बट डीएस बाय डीटी, और सिंपली पोजीशन वेक्टर डीआर बाय डीटी का मैग्नीट्यूड, ठीक। इसके बाद एक टर्म आता है एवरेज एक्सीलरेशन, ए एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, अगर बोलेंगे एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और सिंपली वी एफ माइनस वी आई बाई डेल्टा टी, और एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन सॉरी, जब ये डेल्टा टी बहुत छोटा रहेगा डेल्टा टी टेंस टू जीरो उस समय इसको हम लोग इसी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी वी बाई डी टी, this is the instantaneous acceleration और ये एवरेज acceleration, ठीक है, तो इस पे कुछ सवाल करते हैं, पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से हम लोग। अ पार्टिकल इज मूविंग along yes sir x axis, its x coordinate varies with time as x equal to t square plus 4t minus 6. Here x is in meter. और टी दिया गया सेकेंड पे, बनाता हूं इसको, बोलो क्या निकालना है, फाइंड द
एवरेज वेलोसिटी बोलो बना पाओगे? टाइम इंटरवल क्या ये बन जाएगा? बोलो जल्दी से। पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इफ एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विद टाइम एज एक्स मीटर पे है और टाइम सेकंड पे है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी निकाली टाइम इंटरवल के बीच में, कैसे बनाओगे बोलो? देखो वी एवरेज क्या सिखाए हैं, ये होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एक्स एफ माइनस एक्स आई, चेंज इन पोजिशन वेक्टर बाई टाइम। एक बार एक्स किस पे, एक बार एक्स टू सेकेंड पे, दो सेकेंड पे, और एक बार है एक्स जीरो सेकेंड पे। डिवाइड बाई क्या होता है, डेल्टा टी, टू माइनस जीरो, डेल्टा टी का वैल्यू टाइम कितना है, टोटल दो सेकेंड का टाइम है, तो बस वैल्यू पुट कर दो। x का वैल्यू क्या है, 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6, तो 2 सेकंड पे टाइम का वैल्यू पुट करो तो 2 इनटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इनटू 2 माइनस 6 और जगह 2 इनटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 इनटू 0 माइनस 6, तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया। Divide by 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा आंसर। बोलो समझ में आ गया? यस सर। बोलो अमन। यस सर। आ गया ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स x and y coordinates vary with time as x equal to दिया हुआ है 2t square और y इक्वल टू दिया हुआ है t क्यूब, ठीक है, यहाँ पे x और y मीटर और t सेकंड पे है, तो क्या निकालना है? पहला पार्ट में बोला गया है फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन अ टाइम इंटरवल t equal to 0 to t equal to 2 second, इस time interval को निकालना है। तो इस पे देखो कैसे बनेगा, पहले तो position vector दिया हुआ है, vector r x i cap plus y j cap हमें लिखना पड़ेगा। x axis कितना है 2t square, r क्या होगा 2t square i cap, y में कितना है, y में t क्यूब, तो t क्यूब j क्या, इसको वेक्टर नोटेशन में पहले लिख दिया हम लोग पोजीशन वेक्टर को। हम लोगों को चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो अगर अपने को चाहिए फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
लिखा होगा, v का वैल्यू हो जाएगा dr by dt। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो t 40 का स्क्वायर क्या होगा, 2t का स्क्वायर 40 हो जाएगा, 40 i cap, और t क्यूब का कितना होगा 3t स्क्वायर डिफरेंशिएट करने से j cap, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम लोग को चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन वैल्यू क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं, इसका वैल्यू हो जाता है ए एवरेज इक्वल टू ये पर डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, इसका वैल्यू होता है वीएफ माइनस वीआई डिवाइड बाय डेल्टा टी, यहां से वी 2 सेकंड माइनस वी 0 सेकंड डिवाइड कर जाएगा 2 माइनस 0। तो अब इसके वैल्यू को पुट कर दो, तो 4 टाइम पर कितना था 2 आई कैप प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर जे कैप माइनस 4 इंटू क्या 0 आई कैप और प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर जे कैप, ये टर्म चला गया पूरा। एवरेज निकाल रहे, निकालते v2 माइनस v0 बाय 2, एक मतलब vf माइनस vi बाय 2 बाय 2 कितना होगा एक्सेलरेशन यहां से 4 i कैप प्लस 6 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या समझ में आ गया, बोलो। यस सर, आ गया सर, आ गया, ठीक है। चलो अब यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं, जो तुम पूछे थे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर एक्सेलरेटर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। तो इसको आगे करते हैं थोड़ा ऊपर। अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन देखो, जब भी बोले यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब याद रखना कुछ पॉइंट्स का, क्या क्या मतलब है। इसका मतलब वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखना कि वेलोसिटी जो होगा हमेशा, ये पॉजिटिव वेलोसिटी भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव वेलोसिटी वेक्टर है, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा बात क्या बोलेंगे, दूसरा हो जाएगा स्पीड जो होगा, स्पीड वो भी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट, स्पीड तो मैग्नीट्यूड होता है। तीसरा पॉइंट अगर है तो एक्सीलरेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, चौथा हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो सकता है,
या नेगेटिव हो सकता है, ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि एक्शन जीरो तो डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना? समझ में आ गया, वेलोसिटी टाइम हो जाएगा। इसके बाद डिस्टेंस अगर लिखेंगे तो स्पीड इनटू टाइम, अगर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे हम लोग, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है डायरेक्शन का मतलब, इसको इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। बोलो सब बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो अब ना कुछ हम लोग इसका प्रॉब्लम देखते हैं, स्पेशल केस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे केस वन लेते हैं, ठीक, ध्यान देना, कुछ ग्रोसरी फाइंड आउट करते हैं। सपोज यहां से कुछ पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक हम लोग का ये पॉइंट हो गया, यहाँ पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पॉइंट सी है, और यहाँ कोई पॉइंट बी हम लोग कंसीडर किए। सपोज मान लो यहाँ तक डिस्टेंस जो है डी है, और ये डिस्टेंस भी डी इक्वल डिस्टेंस है दोनों का, टोटल टू डी हो गया, और यहाँ तक हम लोग वी वन स्पीड से गए और सी से बी तक हम लोग वी टू स्पीड से गए, यहाँ पे टाइम हम लोग को टी वन लगा, यहाँ पे टाइम हम लोग को टी टू लगा। तो अगर हम लोग को टी वन का वैल्यू चाहिए तो टी वन का वैल्यू हो जाएगा डी बाई वी वन, अगर टी टू चाहिए क्या होगा, डी बाई वी टू, क्योंकि स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस बाई टाइम, यहाँ का डिस्टेंस वी वन है तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, वी टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है, वी टू। तो अपने को निकालना एवरेज स्पीड, तो अगर यहाँ से हम लोग बी एवरेज निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, बाई टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा d प्लस डी, और टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2, है ना? इसको निकालते हैं हम लोग, फाइंड आउट करेंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना d प्लस डी 2d, और टाइम हो जाएगा d बाई v1 प्लस d बाई v2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे ये डी डी कट जाएगा तो हो जाएगा टू बी वन बी टू बाई बी वन प्लस बी टू, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पहला केस समझ में आ गया, अगर डिस्टेंस सेम रहेगा, स्पीड अलग अलग रहेगा दो इंटरवल में, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टू बी वन बी टू बाई बी वन प्लस। अब इसको इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देता तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते थे, वैल्यू पुट करते, ठीक है। चलो हम दूसरा केस देखते हैं अब, बोलो समझ में आ रहा है क्या कि नहीं, आ रहा है ना, बोलो। यस सर। अमन। यस सर। आ रहा ना समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखो केस टू, केस टू क्या है, मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया है सर, इसमें हर केस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी केस हम इसलिए अलग से बता दे रहे हैं कि मान लो तुमको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ दिया, ऐसे बोला कि पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद टाइम एंड विद स्पीड v1 एंड सेकंड हाफ विद स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। कभी टाइम के फॉर्म में दे दिया, कभी कभी टाइम के फॉर्म में बोला गया, कभी स्पीड के फॉर्म में, कभी डिस्टेंस के फॉर्म में, तो किसी फॉर्म में देने से निकाल सकते हैं हम लोग वैल्यू, ठीक है ना?
समझ आ गया क्या बोले? यस सर। जैसे मान लो इस एग्जांपल पे देखो, इस पे क्या बोल रहे हैं, इस पे मान लो यहाँ पे ए दे दिया है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दे दिया है सी, और यहाँ पे पॉइंट दे दिया सपोज बी, ठीक है, तीन पॉइंट दिया हुआ है। अब इन तीनों पॉइंट में पहले क्या बोल दिया गया कि यहां तक टाइम या बस सेम दे दिया, पहले डिस्टेंस सेम दिया था, टाइम सेम है दोनों इंटरवल का, ठीक है, स्पीड अलग अलग है, यहाँ का स्पीड v1 है, यहाँ का स्पीड v2 है, डिस्टेंस भी अलग अलग है d1 और d2, बस इक्वल टाइम लग रहा है, ये बोला गया। इसमें एवरेज भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो अब हम आराम से कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस को क्या लिख पाएंगे, अगर यहाँ से हम लोग डिस्टेंस लिखना है तो d1 हो जाएगा v1 इनटू टाइम t, अगर हम लोग डिस्टेंस d2 लिखना है तो हो जाएगा v2 इनटू t, अगर हम लोग को चाहिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, by total time, तो यहां पे हो जाएगा d1 plus d2 total time है suppose t plus t, तो इसीलिए यहां पे हो जाएगा v1 t, और यहां पे कितना होगा v2 t, और total हो जाएगा t plus t 2 t, इसलिए v average का जो value है वो जाएगा v1 plus v2 by 2, ठीक है, this is the average speed, बोलो clear है case 2? Yes sir। समझ रहे हो ना, कभी distance के term में दे दिया कि equal distance था, कभी बोले equal time है, जैसे इस सवाल पे देखो, इस सवाल हम लिख देते हैं case 3 वाला, ताकि तुमको कोई confusion ना हो, ठीक है, ये हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, केस थ्री वाला रिजल्ट देखो, इस पे क्या बोला है, इसमें कुछ ऐसा दिया है कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ इसको वर्ड में भी लिख देते हैं, पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ, पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ, ठीक है ना, ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड given in second half distance in second half distance constant speed third time v2 and in remaining remaining
रिमेनिंग टू थर्ड टाइम कॉन्स्टेंट स्पीड इज v3. फाइंड द एवरेज स्पीड. क्या बोला गया? फाइंड द एवरेज स्पीड. During the complete journey, ठीक है ना? ये क्वेश्चन है. पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, इन द सेकंड हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इन 1/3 टाइम v2, एंड रिमेनिंग 2/3 टाइम कांस्टेंट स्पीड v3, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी. देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको हम एक बार बढ़िया से डायग्राम से बता देते, मतलब कैसे इसको हम लोग एनालाइज करेंगे. देखो क्या दिया है, मान लो ये कोई हम लोग यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे हमने ले लिया पॉइंट ए, यहाँ पे हमने ले लिया पॉइंट सी, यहाँ कहीं पे पॉइंट डी, यहाँ कहीं पे पॉइंट डी, और यहाँ कहीं पे पॉइंट बी, ठीक है ना? ऐसा कुछ कंसीडर कर लिए. अब बोला जा रहा है, देखो क्या, ए से लेके सी तक डिस्टेंस पूरा डी है. ये थोड़ा सा रुको, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा. जैसे एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इस तरह बना देते हैं, ठीक है. ए से लेके सी तक जो डिस्टेंस है वो हम लोग का है डी, और यहाँ का स्पीड कितना है v1. इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे डी दिया हुआ है मान लो, और एक पॉइंट यहाँ पे बी दिया हुआ है, ठीक है. तो सी से डी तक पूरा डिस्टेंस कितना है, सी से बी तक, ये फिर से डी है. This is also D. अब यहाँ पे कितना बोला है, 1/3, तो time t/3 हो जाएगा. Distance v2 है, यहाँ का time 2/3, तो 2/3 और speed v3, ठीक है. अब हम लोगों को निकालना है average speed. तो total distance है कौन सा, CD plus DB. इसका value D हो जाएगा. अब यहाँ का जो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, v2 स्पीड है, टाइम है t/3 और टाइम है 2t/3, स्पीड है v3, दिस शुड बी इक्वल टू d. सो टाइम जो आएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, 3d/v2 प्लस 2v3. तो tac जो होगा ना वो जाएगा d/v1, ठीक है, समझ में आ गया. अब यहां से हम लोग क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, ये होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी प्लस डी, और टोटल टाइम हो जाएगा टीएसी प्लस टीसीडी प्लस टीडीबी. तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का हो जाएगा कितना, 2d, और टीएसी का टाइम कितना था, d/v1, TAC का टाइम था t/3 और ये था 2t/3, ठीक है. तो TAC का टाइम लोग d/v1 निकाल लिए थे.
आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे पूरा वेलोसिटी के टर्म में अगर लिखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा ये 2d, और ये तो d/v1 था ही अपने पास, और यहाँ पे 3d बस पुट करते रहे वैल्यू को, 3d/v1 v2 हो जाएगा d/3 का वैल्यू, और ये 2v3 हो जाएगा, है ना, बस को सॉल्व करके लिख दो, सॉल्व करके लिखोगे तो आ जाएगा 2v1 v2 + 2v3 डिवाइड बाय 3v1 + v2 + 2v3, सो दिस इज आवर आंसर, ये अपना आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया सर? एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बता दे, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया था ना कि ए से सी तक मान लो v1 स्पीड से जा रहा है, डिस्टेंस डी है, और फिर टाइम आधा t/3 टाइम लग रहा है सी से डी जाने में, और डी से बी जाने में 2/3 लग रहा है, मतलब 2/3 लग रहा है, तो बस डिस्टेंस यहां का डी है, तो यहां तक का टाइम हो जाएगा d/v1 एसी तक का, और अगर हम लोग को cd का निकालना है तो cd का टाइम क्या हो जाएगा, tcd + tdb, तो tcd t/3 और 2t/3 दिया हुआ है, अब यहाँ का डिस्टेंस मान लो v2 है, तो टाइम क्या होगा 3d/v2 और हो जाएगा 2v3, बस वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है, समझ आ गया ना? यस सर। बस वैल्यू पुट कर दिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। चलो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक, वन डायमेंशनल मोशन with uniform acceleration. जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर फेंकते हैं ऊपर या नीचे फेंकते हैं, टुवर्ड्स द ग्रेविटी या अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा वन डायमेंशनल मोशन का। ऐसे हम तीन इक्वेशन पढ़े हैं इसमें, कौन कौन सा, एक हो जाएगा कैलकुलस मेथड से प्रूफ भी कर सकते हैं, पहला क्या हो जाता है वन डायमेंशनल मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ, v इक्वल टू होता है u + at, ठीक है, दूसरा क्या होता है s = ut + ½at² और तीसरा होता है v² - u² = 2as। इन तीनों में हम लोग क्या देखते हैं, एक्सीलरेशन जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वन डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कैलकुलस मेथड से, ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस मेथड से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। चलो इसको प्रूफ करते हैं कैलकुलस मेथड से सबसे पहले, है ना, इसको हम लोग कैलकुलस मेथड से प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, तो कैसे प्रूफ करोगे, जैसे इक्वेशंस को प्रूफ करना होगा तो हम लोग कैलकुलस मेथड का यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। देखो कैसे करेंगे, जैसे पहला इक्वेशन प्रूव करना है हम लोग को, पहला इक्वेशन के अपने पास हम लोग देखो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, ए को लिखते हैं हम लोग, सॉरी एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, dv/dt रेट ऑफ वेलोसिटी की एक्सीलरेशन, तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, ए डी टी को लिख सकते हैं डीवी, ठीक है, अगर हम लोग इंटीग्रेट बोथ द साइड करें तो डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, सपोज इनिशियल वेलोसिटी यू है और फाइनल वेलोसिटी वी है, इनिशियल टाइम जीरो है फाइनल टाइम टी है, बस को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डीवी का हो जाएगा वी,
और ये होगा वी से लेके यू तक, ए बाहर निकल गया और डीटी का इंटीग्रेशन रहेगा जीरो से टी तक, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, वी माइनस यू और ए, और डीटी का हो जाएगा टी, तो टी माइनस जीरो का टी ही आएगा। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू आ जाएगा यू प्लस ए टी। दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन है ये, ठीक है। बोलो क्लियर है, पहला इक्वेशन कैसे प्रूफ हुआ? यस सर। ठीक है, अब हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं, हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, दूसरा इक्वेशन को प्रूफ करेंगे जो कि है हम लोग का ac को ut plus half ad square। देखो कैसे करेंगे, आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, ds by dt, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग इस ds को क्या लिख सकते हैं, v dt लिख सकते हैं। अब ds के जगह v का वैल्यू पुट कर देंगे, v कितना है, सॉरी v के जगह, तो v का वैल्यू u plus at है, into dt कर देंगे, है ना। तो यहां से अपने पास अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड, u प्लस ए टी इंटू डी टी हो जाएगा, लिमिट जीरो से लेके s तक और टाइम जीरो से लेके t तक, तो ds का हो जाएगा s, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसको भी ds ही रहने दो, जीरो से s तक, इसको से ब्रेक करके लिख सकते हैं, जीरो से t u t u dt प्लस जीरो से t ठीक है। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, दिस शुड बी s, जो बाहर निकल गया कांस्टेंट, और dt का t हो जाएगा, यहां पे a बाहर निकलेगा और t dt का क्या हो जाएगा, at भी एक हो जाएगा ना, t dt का होगा t square by 2। तो क्या इक्वेशन आ गया अपने पास, s इक्वल ut प्लस आप t square, ठीक है ना। So this one is equation number 2. बोलो क्लियर है? Yes sir. Second equation. ठीक। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर, समझ में आ रहा है। आ गया पूरा? ठीक। ठीक है। आगे का देखते हैं। आगे क्या हो जाएगा, हम लोग थर्ड इक्वेशन को प्रूव करते हैं। तो थर्ड में हम लोग एक्शन को चेन रूल्स लिखना पड़ेगा, जैसे a का वैल्यू होता है ना dv by dt, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dv by ds into ds by dt, इसको बोलते हैं चेन रूल से लिखे, वही बात है, यही लिखे हैं, dv by ds into ds by dt। तो ये ds by dt जो था v होता है, और dv by ds का वैल्यू हम लोग को ऐसे लिखना है बस, ठीक है। अब क्या करेंगे, a ds को इधर लेके जाएंगे और v dv को ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, और बोथ पर से इंटीग्रेट करेंगे, a ds v dv into a ds हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको बस इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करोगे, ये तो कांस्टेंट है, इसको जीरो से तक ले लो डिस्टेंस, और इसका इनिशियल वेलोसिटी यू ले लो, फाइनल को वी ले लो, तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, वी डीवी का होगा वी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे तुम लिमिट देख रहे हो यू से लेकर वी तक है, तो एस लिख दो, और लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से एस हो गया 1/2 को तुम कॉमन ले लिए हो, यहां पे रह जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर
इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स एस का वैल्यू आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है ना? समझ में आ गया? बोलो सर, ये थर्ड स्टेप से थोड़ा समझ में नहीं आया। थर्ड स्टेप सर एडीएस के बाद वाला, ये वाला यहाँ पे, ये यस मतलब शुरू से बता दे सर, एडीएस के नीचे, एडीएस के नीचे वाला। अच्छा, इंटीग्रेट किए हैं जैसे यहाँ पे लिखे ना एडीएस, यस एक तरफ एडीएस लिख दिया, एक तरफ वीडीडी हो गया ना, बोलो यस लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेट किए बोथ द साइड। यहाँ डिस्टेंस का लिमिट होगा 0 से लेके s तक, और यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी कर दिए, इसका क्या होगा? a बाहर निकल जाएगा, ds में s होता तो s होगा ना, बोलो यस सर। और vdv का होगा v स्क्वायर बाय 2, अब लिमिट पुट कर दोगे तुम u से लेके v तक तो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, यस सर। आगे आगे समझ में पूरा ठीक है। अच्छा एक और बात बता देते हैं, सुनो क्या, जैसे अगर तुम लोगे मोशन अंडर ग्रेविटी लोगे अगर, ठीक है, अगर कंसीडर करोगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन ही है विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्योंकि देखो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लो हम लोग ऊपर देख रहे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल मोशन ही हुआ वन डायमेंशनल, ये भी काइंड ऑफ वन डायमेंशनल मोशन है, ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है, अगर इसमें a की जगह रिप्लेस करेंगे हम लोग a को g से, g को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9 क्लास में पढ़े हो, ठीक है यस सर। इस पे हम लोग a को रिप्लेस करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, g से, तो g यहाँ पे है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपना, ठीक है ना, तो एक ये वन डायमेंशनल मोशन ही है। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है साइन कन्वेंशन पे, जैसे स्कूल में टीचर लोग बताएं कि सर लोग कि पॉजिटिव नेगेटिव मानो, अबव को टुवर्ड्स द ग्रेविटी को पॉजिटिव मान लो, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी को नेगेटिव मान लो, नाइन क्लास में ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन उसको याद मत रखना। सुनो कैसे याद रखना बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे उस तरह याद रखोगे कभी नहीं भूलोगे और सभी सवाल सही बनेगा, जो कि बिल्कुल वेक्टर से है प्रॉपर्ली। सुनो कैसे याद करोगे साइन कन्वेंशन को, देखो दो ही केस होगा, या आइदर नीचे आएगा बॉल ऑब्जेक्ट, या तो फिर ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर फेंकोगे, एक सेकंड को, आइदर टुवर्ड्स द ग्रेविटी फेंकोगे नहीं तो फिर अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, एक ऐसे फेंक सकते हो, दो ही केस होगा, ठीक है। तो देखो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, इसको तुम वेक्टर की तरह इसको तुम क्या मानोगे, ये माइनस जे कैप मान लो, क्योंकि वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप होता है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, प्लस जे कैप होता है ऊपर की तरफ, इसको प्लस जे कैप मान लो। और जो भी इक्वेशन होता है ना, जैसे v इक्वल टू यू प्लस at, ठीक है, फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, और s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीनों जो इक्वेशन होता है, इन तीनों में v को u को और a को वेक्टर मानना है, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना है, वेक्टर होता भी है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मानना है इसको, ठीक है, सब वेक्टर है। तो वेक्टर का साइन लेना, जब हम लोग नीचे फेंकेंगे बॉल को टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो ये u भी नेगेटिव होगा, v नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव ही होगा, बोलो समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? यस सर। और जब ऊपर फेंकोगे इसमें पॉजिटिव रहेगा, बी सब पॉजिटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा, लेकिन एक बात याद रखना, जी को हमेशा नेगेटिव लेना, इससे बहुत तुमको कंफ्यूजन रहेगा, सर टीचर तो बताते हैं कि जी को हम लोग टुवर्ड्स द ग्राउंड आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, अवे फ्रॉम द ग्राउंड आएगा तो नेगेटिव लेंगे, वैसे मत मानना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सबको वेक्टर के नोटेशन में मान रहे हैं, कभी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं लेने बोल रहे हैं हमेशा, सुनो बता रहे क्यों, जी को हमेशा नेगेटिव ही लोगे, क्यों लोगे, क्योंकि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई बॉडी है, इसमें ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा,
ये हमेशा टूवर्ड्स द सरफेस ही फॉल करेगा, तो जी जो होगा वो ऑलवेज, ठीक है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी रखता है, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ, इसकी इसलिए इसको हमेशा नेगेटिव रखेंगे, जी को हमेशा नेगेटिव कंसीडर करेंगे ऑलवेज किसी भी सवाल में, ठीक है, हमेशा नेगेटिव मानेंगे। समझ में आ गया क्या बोले, बोलो बोलो। यस सर। यहाँ भी जी को नेगेटिव लोगे, इसमें जी को नेगेटिव ही लोगे, ठीक है, क्लियर है, बोलो। यस सर। चल एक सवाल बता देते इस पे जल्दी से, ठीक, एक क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप of tower, top of tower 40 meter high with a velocity of 10 meter per second, find the time when it strikes the ground, ठीक है, इसमें जी को कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक क्विक बॉल को फेंक रहे अपवर्ड की तरफ, देखो इसका डायग्राम को जैसे बना लो पहले, क्या बोला गया, बॉल थ्रोन अपवर्ड, मान लो ऐसा कोई टावर है, ठीक है, ऐसा कोई टावर हो गया और यहां से बॉल को फेंक रहे हैं, 40 मीटर हाई है टावर का, ठीक है ना, और बॉल को फेंक रहे ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, सिखाएं अभी तुरंत, इनिशियल स्पीड कितना लोगे, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन को हमेशा क्या लोगे, माइनस 10 ही लोगे, ऊपर चाहे नीचे जो भी लो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 40 का है, माइनस 40 नीचे की तरफ जा रहा है बॉल फिर गिर के, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस 40, बोलो समझ रहे हो, बस वैल्यू पुट कर दो, क्या इक्वेशन होगा, इसी को ut प्लस आप dt स्क्वायर, तो लिखो माइनस s मतलब माइनस 40 इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है ना, तो माइनस 40 u का वैल्यू कितना है 10, तो 10t हो जाएगा, माइनस 10 का वैल्यू, g का 10 लेने बोला, तो 5t स्क्वायर बचेगा, सॉल्व कर लो, सॉल्व करो क्या होगा, 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इक्वल टू जीरो, इसको क्या लिखोगे, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू जीरो, तो t का जो वैल्यू आएगा वो इधर 4 सेकेंड आएगा, नहीं तो फिर t का वैल्यू माइनस 2 सेकेंड आएगा, ये दोनों वैल्यू आ सकता है, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, वी ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू, बोलो क्लियर है, यस सर, 4 सेकंड विल बी द आंसर, ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ तक, यस सर, बोलो, यस सर, ठीक है, आज यहीं तक क्लास है, उसके बाद फिर अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है सर, ओके, ठीक, थैंक यू सर, ओके, ठीक, ठीक, इसका पीडीएफ लेना है तो मिल जाएगा, पीडीएफ हम भेज देते हैं सर को, ठीक है, सर, नोट्स कर लिया।
अच्छा कर लियो, ठीक ठीक ओके ठीक, थैंक यू सर, ओके ठीक।